डेवलपमेंट हो रही है उसमें हम इंतकाम देखते हैं, गिरफ्तारियां देखते हैं, जुल्म सितम देखते हैं, और दूसरी तरफ हम जज्बा देखते हैं, अज़्म देखते हैं, हौसला देखते हैं, कौन इस लड़ाई में जीतेगा और ये लड़ाई अभी आज की क्या डेवलपमेंट्स हैं, किस नहज पर है, ये आज सारी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज़ जो है वो सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो आज बात कही है तो उन्होंने कौम को ये यकीन दिलाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है यकीन रखिए अदालतें जो हैं वो आईन और कानून के मुताबिक काम देंगी। और साथ ही उन्होंने ये जो इस वक्त आग भगोले हुए हैं हुक्मरान, ताकत के नशे में मस्त हैं, बदमस्त हाथी की तरह अपने ही अवाम को रौंद रहे हैं, उनको ये कहा है कि ऐसा मत करें। और फिर जो जमान पार्क में जो इन्होंने किया, इमरान खान साहब के घर, और उसके बाद आज जो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उसने कहा कि हम हाथ तोड़ देंगे, एक इतना गैर कानूनी काम, इतनी गैर कानूनी बात कह सकता है निगरान वज़ीर आला, सरेआम धमकियां दे सकता है, और फिर ये भी धमकी दे रहा है कि अभी हम इमरान खान साहब के घर नहीं गए। तो ये सब कुछ है हमारे पास आज। और आगाज़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उन्होंने इस मौसम में कि जब यहाँ पर लोग जो ताकत से चिमटे हुए हैं, हर चीज़ को बहा के ले जाना चाहते हैं, कब्जा कर लेना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि फैसले जो हैं वो आईन और कानून के मुताबिक होंगे और आप सब मिलकर करें फैसले। आज क्वेटा में उनका जो खिताब है, आइए कुछ उसका कुछ हिस्सा। आपस में जो एक दूसरे के साथ ये इख्तलाफात हैं इनको दूर करें, ये वक्त ऐसा है कि ये सिलसिला जो है ये बढ़े, और हमारे जो फैसले हैं आपको ये हम यकीन देते हैं, आपको यकीन कराते हैं कि हम ऐन आइन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम आइन के मुताबिक जो कानून में वजह है उसके मुताबिक फैसले करेंगे। अभी तक जो भी फैसले किए हैं, खा वो मुतनाज़ा हैं या वो मकबूल हैं, आपको यकीन कराते हैं कि ये मेरे भाई बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, हम सब ने मिल के जो भी फैसले किए हैं, हम सब ने मिलकर जो भी फैसले किए हैं वो आईन और कानून के मुताबिक किए हैं, और आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, चाहे वो पॉपुलर हैं चाहे वो अनपॉपुलर हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ये जो आप रोज़ाना टपूसियाँ ले रहे हैं ना, और एक कैंपेन के ज़रिए आप जजेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अंडर प्रेशर लाने की बात कर रहे हैं, तो सुन लें, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो कह रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। और जितनी संजीदगी से, मतानत से, ठंडे लहजे में उन्होंने ये बात की है, इन अकल के अंधों को समझ आ जानी चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है चीफ जस्टिस ने, मैं वो